से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाई बॉक्स एप्लीकेशन के बारे में। इसके अंदर तुम्हें मैं लाइव दिखाऊंगा मिस्ट्री बॉक्स की खोल के उसके अंदर क्या निकलता है। इसके अंदर 300 से लेके 1,00,000 रुपए तक के मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले ये ठीक है, 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स ले रहे हैं भाई। सबसे पहले ना हम लोग ले भाई चेकआउट, ओके ऑर्डर प्लेस। ले भाई 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स आ गया। अब करते हैं इसको ओपन, देखते हैं क्या निकलता हमारा 1,00,000 रुपए में। ओपन हो भाई, ये क्या निकला इसमें से, ये निकला इसमें से गैस ग्रिल। इसमें तो मजा नहीं आया भाई अपने को, इसको कर देंगे हम रीसेल। तो देखो 1,00,000 रुपए का हमें पड़ा था ये। अब ये इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000 रुपए, मतलब सीधा सीधा 1,000 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और इसको जितने भी पैसे हैं विद प्रॉफिट हम 24 आवर्स के बाद क्लेम कर सकते हैं। और अपने को ये भी मिला है देखो लक्की स्पिन, इसमें देखें क्या निकलेगा। ये क्या निकला, लैपटॉप निकल जा भाई। इसमें निकले हमारे 100 रुपये, पर चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये में भी हम खुश हैं, प्रॉफिट तो वाइट लास्ट। तो भाई ये है हाई बॉक्स एप्लीकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, अपने मिस्ट्री बॉक्सेस खोलो और अपने मौज काटो। अरे बहुत आते हैं भाई, मजा आया। अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, रे की अखियों से गोली मारे। बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी, और वो उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत है। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का लखनऊ का उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया। अरे बहुत मजा आया, रिलेट किया आपने रियली, इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने शादी की पांच में से, इसमें से पांच में से 3.5 स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया। ही वाज सो क्यूट बट एक्टिंग वाज जस्ट लाइक कार्तिक। बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने भी ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा, स्पेशली था एक ढणंग टणंग टंग टणंग। स्कूल की याद आई? हाँ। ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो। अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आप दो फाइव स्टार, पांच में से 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, रे की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में तो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी तो सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस। सेम ठीक ठाक है, सेम आया, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी सॉन्ग्स धीमे धीमे बस धीमे धीमे उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है। अखियों से गोली मारे, ओके अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट। यस ही हैज डन वेरी वेल, वेरी वेल। सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी, आई वुड से या। एंड व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन द लीड? कार्तिक आर्यन ही इज डूइंग गुड, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रेपिटेटिव हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है। आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो वो वेल प्ले करेंगे, उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है, भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल दिल जीत लिया। ओके, पति पत्नी और वो
वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर। आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आप उसको मैनिपुलेट देना चाहिए। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन। थैंक यू, थैंक यू मैम। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया, और 4 पॉइंट दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है, और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना? हाँ, बढ़िया काम किया है। बताइए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है। एक रिलेशन, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं, पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का, किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है। आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं, और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ, बनी है। आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं। यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, तो गलती मैसेज है। Okay. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप मतलब कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ। नेचर सबसे प्यारी चीज़ है, और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून, इस प्रकृति को बदल सकता है जी? ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए, आप शादी कर रहे हैं? नहीं, अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो, मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट है? हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए, फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली। एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नोट हैदराबाद, नोट मुंबई, नोट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी, इमोशनल, रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती है, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी?
द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है होती हैं चीज़ें मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में. सो इट्स अ डिफरेंट मतलब मैं क्या बोलूँ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक. सो या ओके रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं. आई एम नॉट मैरिड यार सो आई कांट से. कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है. जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था. बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है जो उसका लुक है इट्स अमेजिंग. वो आपको भी पसंद आया? या या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5. Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. What are you film mein khas kya hai? कॉमेडी अच्छी. कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके. कॉमेडी के अलावा आप बताइए क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है वो सब कैसा है देखने में? Awesome. कार्तिक आर्यन too good. भूमि पेटनेकर क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको? कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप. पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में. करेक्ट. वेरी गुड मैसेज द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक इट्स गुड इट्स गोना हिट देम. अच्छा बताइए एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच. कॉमेडी है? सब कुछ है पूरा मसाला पिक्चर है. कितने स्टार 5 में से? 4. अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे. Oh बहुत ही मजा आया भाई जी. बहुत बढ़िया लगी. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो? उससे डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है. उससे डिफरेंट है? बहुत है. ये लाइट कॉमेडी है जी. और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है. पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है जो कानपुर का लखनऊ का उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है. ओके जस्टिफाई किया? एकदम. बहुत ही अच्छी तरह हंसे? अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस. और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं. अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है. डिक्लेरेशन नहीं होता है. बोलिए ऊपर वाला सब देख रहा है. भले न देखे हो तो जो सच है वो तो है ही. कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी. इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया. कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा. अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया. बहुत ही नेचुरल था और बाकी सबने ठीक ठाक. कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा. कोई जोक्स याद है? कोई सिचुएशन कोई डायलॉग? हाँ जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे. बहुत ज्यादा स्पेशली धड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग. स्कूल की याद आई? ओके. और क्या कहेंगे भूमि पेटनेकर भी है यू नो. अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है पर ठीक थी इस बार भी. आउट ऑफ 5 स्टार 5 में से 3.5. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. सबसे अलग क्या है फिल्म में? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस बाकी सब सही था. ओके. कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस. सेम ठीक ठाक है? सेम. मजा आया? बहुत मजा आया. लाइक मजा बहुत आया बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे. उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाऊं अखियों से गोली मारे जो मैंने अभी देखा नहीं देखना था पर लेट हो रहा है. अखियों से गोली मारे. ओके अच्छी यार वन टाइम वॉच. ओके वन टाइम वॉच. कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी. अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट. यस यस डन वेरी वेल वेरी वेल. सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी आई वुड से. या एंड व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन द लीड? कार्तिक आर्यन ही इज डूइंग गुड बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रेपिटेटिव हो गया अभी वो तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त इस मूवी में. उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है. अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है. आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ?
राइट कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है. भूमि ने अच्छा काम किया है बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को. अपार शक्ति उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है. बिल्कुल दिल जीत लिया. ओके पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है क्या है या फिर सिंगल है? वो है लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर. आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ. रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है. ओके ओके आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए. चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका. कितने स्टार पांच में से? पांच में से तीन. थैंक यू मैम. फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी. आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी. अच्छी मूवी है और अच्छा लगा. अच्छा लगा हाँ. चेहरे पर एक शांति है लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है. हाँ अच्छी फील है. मतलब कॉमेडी भी अच्छी है. कॉमेडी पंचेज हैं. सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है. कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना उसने भी अच्छा वर्क किया. फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना. हाँ बढ़िया काम किया है. बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी इस तरह का होगा लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है. डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं बढ़िया. कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है. उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है. अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है. एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तुम्हारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है. लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है. आई थिंक ये गलत है. जी जी क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना. ओके एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है. हाँ बनी है. आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं. यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई. लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना. देश के कानून की बात नहीं. देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार. लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है आपको अधिकार है आप मतलब कुछ भी लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो. नेचर के साथ. नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा. कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी. ओके चलिए ठीक है. ये बताइए आप शादीशुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है. मैंने कर लूंगा जल्दी. तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई. ऑनेस्ट हैं हाँ. और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे और ऑनेस्ट भी हैं. चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली. एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी. एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है उन चार रेपिस्टों को ठोका है. बिल्कुल बिल्कुल वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं. मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है. बहुत अच्छा शहर हाँ. है. जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवालिया निशान खड़े हुए थे. हैदराबाद पे नहीं ये हर जगह मिलते हैं. वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए सेब लेके आइए आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है. वो नॉट हैदराबाद नॉट मुंबई नॉट हरियाणा वो किसी भी जगह मिल सकते हैं. पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे. बिल्कुल और इसका सफाई करना बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो. चलिए ठीक है. सो गाइस अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में खुशी के साथ एंजॉय कीजिए. सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू बहुत अच्छी मूवी है. एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली. सो गो फॉर इट. इट्स अ वर्थ वॉचिंग.
कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वाज गुड, इट वाज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. But ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And new comer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके, क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच। कॉमेडी है? सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, रे की अखियों से गोली मारे। बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे वो, तो जो सच है वो तो है ही। कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया। He was so cute, but acting was just like कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा, स्पेशली दैट ढड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग, स्कूल की याद आई। ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आपको 5 स्टार 5 में से 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, रे की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस। ठीक ठाक है? हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाऊं अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा था। अखियों से गोली मारे, ओके, अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके, वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट।
Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो. तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ राइट कॉमेडी है ऑफकोर्स कॉमेडी है वेरिएशन के साथ है तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो वो वेल प्ले करेंगे उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए ओके उसके अलावा भूमि है अनन्या पांडे है भूमि ने अच्छा काम किया है बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना अपार शक्ति उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है बिल्कुल दिल जीत लिया ओके पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है क्या है या फिर सिंगल है वो है लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है हाँ। उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर आपके तो, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है ओके ओके आपको मैनिपुलेट करना चाहिए चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका कितने स्टार पांचवें से पांच में से तीन थैंक यू मैम फिल्म कैसी लगी आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी जी आपको मजा आया बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी अच्छी मूवी है और अच्छा लगा हाँ चेहरे पर एक शांति है लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है हाँ अच्छी फील है मतलब कॉमेडी भी अच्छी है कॉमेडी पंचेज हैं सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है कार्तिक okay. आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना उसने भी अच्छा वर्क किया फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना हाँ बढ़िया काम किया है बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी इस तरह का होगा लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के हाँ अच्छे हैं बढ़िया कुछ मैसेज भी है फिल्म में मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है लाइफ भैया खराब होती है एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है आई थिंक ये गलत है जी जी क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है ऐसे भी किस्से आते हैं ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना ओके एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है हाँ बनी है आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो गलती मैसेज है वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है क्या बात कर रहे हो अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना देश के कानून की बात नहीं देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है आपको अधिकार है आप कुछ भी लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो नेचर के साथ नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का लड़का लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या इस प्रकार कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी ओके चलिए ठीक है ये बताइए आप शादीशुदा हैं नहीं अभी की नहीं है मैंने कर लूँगा जल्दी तो आप पति एकदम पति रहेंगे देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई ऑनेस्ट हैं हाँ और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे और ऑनेस्ट भी हैं चलिए फिल्म आपने देख ली है फिल्म मैंने देख ली एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है उन चार रेपिस्टों को ठोका है बिल्कुल बिल्कुल वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है बहुत अच्छा शहर है जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे हैदराबाद पे नहीं ये हर जगह मिलते हैं वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए सेब लेके आइए आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है वो नॉट हैदराबाद नॉट मुंबई नॉट हरियाणा वो किसी भी जगह मिल सकते हैं पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे बिल्कुल और इसका सफाई करना बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो चलिए ठीक है सो गाइस अगर आपने
पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीज़न भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड येट सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? या चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब ही इज पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या। हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good, too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके, क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच। कॉमेडी है? सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत आते हैं आपको, मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। oh, बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। okay. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत है। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया। He was so cute, but acting was just like कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने भी ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा, स्पेशली था एक ढणंग टणंग टंग टणंग, स्कूल की याद आई। ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आपको 5 स्टार 5 में से 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में तो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी तो सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस, सेम ठीक ठाक है? सेम, मजा आया, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी, सॉन्ग्स धीमे धीमे, बस धीमे धीमे।
उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगी आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है। अखियों से गोली मारे, ओके। अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके, वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी। अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट। यस यस, डन वेरी वेल, वेरी वेल। सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी, आई वुड से। या एंड व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन द लीड? कार्तिक आर्यन इज डूइंग गुड, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रेपिटेटिव हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है। आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे। उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है। भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल दिल जीत लिया। ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर। आपके तो, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आप उसको मैनिपुलेट देना चाहिए। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन। थैंक यू, थैंक यू मैम। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया, और 4 पॉइंट दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है, और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपार शक्ति खुराना, हाँ, बढ़िया काम किया है। बताइए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है। एक रिलेशन, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं, पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का, किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है। आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं, और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ, बनी है। आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं। यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, तो गलती मैसेज है। ओके, वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप मतलब कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ। नेचर सबसे प्यारी चीज है, और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी? ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए, आप शादी कर रहे हैं? नहीं, अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो, मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट है, हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए, फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली। एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे।
क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नोट हैदराबाद, नोट मुंबई, नोट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए। सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती है, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो, ठीक है होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक वगैरह, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो, मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या, हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good, too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके, क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या या, वेरी मच। कॉमेडी है? सब सब कुछ, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत आते हैं भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। oh, बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। okay. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत ही। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले न देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया। कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज़्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग?
हाँ जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा स्पेशली था एक ढड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग स्कूल की याद आई। और क्या कहेंगे, भूमि पेडनेकर भी है, यू नो अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। और जो फर्स्ट स्टार पांच में से 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस, सेम ठीक ठाक है? सेम, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है। अखियों से गोली मारे, ओके अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट, यस यस डन वेरी वेल वेरी वेल। सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी आई वुड से, या। And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है। आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी है, ऑफकोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो वो वेल प्ले करेंगे, उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है, भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल दिल जीत लिया। ओके पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है या फिर सिंगल है? वो है लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर। आपके तो, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ मेरी रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन। थैंक यू मैम। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा हाँ, चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपार शक्ति खुराना, हाँ बढ़िया काम किया है। बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है, एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है, आई थिंक ये गलत है। जी जी क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ बनी है, आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं, या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है। ओके वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो, अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना, देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप मतलब कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ, नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी?
ओके चलिए ठीक है, ये बताइए आप शादी शुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूँगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट हैं? हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली, एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज युवाओं को दीजिए। एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर हाँ। है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या, हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. But ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके, क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या या, वेरी मच। कॉमेडी है? सब सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं।
अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता। बोलिए ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने शादी की पांच में से? इसमें से पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि पौने चार हो गया। He was so cute, but acting was just like कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था और बाकी सबने ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा। स्पेशली दैट ढणंग टणंग टंग टणंग, स्कूल की याद आई। हाँ ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेडनेकर भी है यू नो। अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आपको फर्स्ट का पांच में से 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सेम ही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस। ठीक ठाक है? हाँ, मजा आया। बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे उसके अलावा सब। गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाना अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा था। अखियों से गोली मारे, ओके अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट। Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत change लाया इस वक्त, इस movie में उन्होंने specially जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक variation है, otherwise dialogue delivery and बाकी सारी चीज़ें monotonous है। आपके हिसाब से थोड़ा repetitive है लेकिन variation के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे। उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है, भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। दिल को दिल जीत लिया। ओके पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर। आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बताऊं तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आपको मैनिपुलेट करना चाहिए। चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन। थैंक यू मैम। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आए हैं। हाँ अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपार शक्ति खुराना, हाँ बढ़िया काम किया है। बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है, एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है, आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप?
और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ बनी है, आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं। या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है। okay. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ। नेचर सबसे प्यारी चीज़ है, और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का लड़का लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा। कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी। ओके चलिए ठीक है। ये बताइए आप शादी शुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट है? हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली। एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं। पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए। सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वाज गुड, इट वाज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक वगैरह, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यट, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? या चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब ही इज पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या। हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good, too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या या, वेरी मच। कॉमेडी है? सब सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। oh, बहुत ही मजा आया भाई जी।
बहुत बढ़िया लगी। आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत है। ये लाइट कॉमेडी है जी। और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ने देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने शादी की पांच में से? इसमें से पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि पौने चार हो गया। कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने भी ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज़्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा, स्पेशली था एक ढड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग। स्कूल की याद आई? हाँ। ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो। अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट अपनी ईयर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आप लोग फाइव स्टार पाँच में से? 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में तो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस। सेम ठीक ठाक है? बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है। अखियों से गोली मारे, ओके। अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके, वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी। अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट। यस यस, डन वेरी वेल, वेरी वेल। So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he's doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है। आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी है, ऑफकोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे। उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है। भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल दिल जीत लिया। ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर। आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन। थैंक यू, थैंक यू मैम। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया, और 4 दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है, और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपार शक्ति खुराना, हाँ, बढ़िया काम किया है। बताइए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है।
अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है। लाइफ भैया खराब होती है, एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तुम्हारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है, आई थिंक ये गलत है। जी जी क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ बनी है, आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं, यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है। okay. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है आपको अधिकार है आप कुछ भी, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ, नेचर सबसे प्यारी चीज़ है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का 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 बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून इस प्रकृति को बदल सकता है? जी ओके चलिए ठीक है, ये बताइए आप शादी कर रहे हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूँगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई, ऑनेस्ट है हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली, एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर हाँ। है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं, वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, वो नोट हैदराबाद नोट मुंबई नोट हरियाणा वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है, सो गाइस अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज्यादा नहीं बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती है, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वाज गुड, इट वाज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good, too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या या वेरी मच। कॉमेडी है? सब सब कुछ, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। Ah!
अरे बहुत हंसे आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत ही। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले न देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने शादी की पांच में से? इसमें से पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि पौने चार हो गया। कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा, स्पेशली था एक धड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग। स्कूल की याद आई? ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेडनेकर भी है, यू नो। अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस। सेम, ठीक ठाक है? सेम, मजा आया, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे, बस धीमे धीमे। उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा था। अखियों से गोली मारे, ओके। अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके, वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट। यस यस, डन वेरी वेल, वेरी वेल। सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी, आई वुड से, या। एंड व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन द लीड? कार्तिक आर्यन इज डूइंग गुड, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रेपिटेटिव हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है। हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है। आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी है, ऑफकोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है। तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे। उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए। ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है, भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल, दिल जीत लिया। ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है, हाँ, उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर। आपके तो, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि, हाँ, पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, हाँ, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार पांच में से? पांच में से तीन। थैंक यू। मैम, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया, और 4 पॉइंट दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है, और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो
भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है, कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना, हाँ बढ़िया काम किया है। बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है, एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तुम्हारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हुआ है, आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ बनी है, आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं, या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है। ओके। वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप मतलब कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ, नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का 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 बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून इस प्रकृति को बदल सकता है? जी ओके चलिए ठीक है। ये बताइए आप शादी शुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट हैं? हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली, एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज युवाओं को दीजिए। एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर हाँ। है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवालिया निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. But ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome. कार्तिक आर्यन Too good. भूमि पेटनेकर She's
just improving by the day. And newcomer Ananya Pandey. Yeah, even she's good. क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप. पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैसेज द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक. इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम. या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या या, वेरी मच. कॉमेडी है? सब सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है. कितने स्टार 5 में से? 4. अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत. ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है. पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है. ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे. अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं. अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता. बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे हो तो जो सच है वो तो है ही. कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी. इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया. He was so cute, but acting was just like. कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा. अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सब ने ठीक ठाक. कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा. कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा. स्पेशली दैट धड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग, स्कूल की याद आई. ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेडनेकर भी है यू नो. अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट अपनी अर्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी. आपको 5 स्टार 5 में से 3.5. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था. ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विथ वेरिएशंस. ठीक ठाक है? बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे. उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाना अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा था. अखियों से गोली मारे, ओके अच्छी यार, वन टाइम वॉच. ओके, वन टाइम वॉच. कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी. अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट. Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो. तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत change लाया इस वक्त. इस movie में उन्होंने specially जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक variation है, otherwise dialogue delivery and बाकी सारी चीज़ें monotonous है. आपके हिसाब से थोड़ा repetitive है लेकिन variation के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है. भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना. अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है. बिल्कुल दिल जीत लिया. ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर. आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ. रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बताऊं तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है. ओके ओके, आपको मैनिपुलेट करना चाहिए. चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका. कितने स्टार 5 में से? 5 में से 3. थैंक यू थैंक यू मैम. फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी.
आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आए। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना? हाँ, बढ़िया काम किया है। बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है, एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का, किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है, आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ बनी है, आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं, या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो गलती मैसेज है। ओके, वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप कुछ भी, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ। नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का लड़का लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या कानून इस प्रकृति को बदल सकता है? जी ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए आप शादी शुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट हैं? हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए, फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली, एक मैसेज और दूंगा यार मैं। जी, एक मैसेज युवाओं को दीजिए। एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज्यादा नहीं बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती है, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वाज गुड, इट वाज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यट, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? या चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी इज पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5।
Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. What are ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome. कार्तिक आर्यन too good. भूमि पेटनेकर क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप. पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में. करेक्ट. वेरी गुड मैसेज द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक. इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम. अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच. कॉमेडी है? सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है. कितने स्टार 5 में से? 4. अरे बहुत आते हैं आपको, मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. Oh, बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी. Okay. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. उससे डिफरेंट है? बहुत है. ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है. पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है. ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह. हंसे? अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं. अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है. अच्छा? डिक्लेरेशन नहीं होता है. बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ने देखे हो तो जो सच है वो तो है ही. कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी. इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया. He was so cute, but acting was just like. कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा. अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने भी ठीक ठाक. कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा. कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा. स्पेशली था एक ढड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग, स्कूल की याद आई. ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो. अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट अपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी. आपको 5 स्टार 5 में से 3.5. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में तो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी तो सही था. ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस. ठीक ठाक है? सेम. मजा आया? बहुत मजा आया. लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी. सॉन्ग्स धीमे धीमे, बस धीमे धीमे. उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाओ अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है. अखियों से गोली मारे. ओके, अच्छी यार, वन टाइम वॉच. ओके, वन टाइम वॉच. कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी. अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट. Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो. तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है. आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके, उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है. भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को. अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है. बिल्कुल दिल जीत लिया. ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर. आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ,
रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है. ओके ओके आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए. चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका. कितने स्टार 5 में से 3. थैंक यू थैंक यू. मैम फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी. आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 दूंगी. अच्छी मूवी है और अच्छा लगा. अच्छा लगा हाँ. चेहरे पर एक शांति है लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया. हाँ अच्छी फील है मतलब कॉमेडी भी अच्छी है. कॉमेडी पंचेज हैं सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है. कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना उसने भी अच्छा वर्क किया. फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना. हाँ बढ़िया काम किया है. बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है इस तरह का होगा लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है. डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं बढ़िया. कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है. उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है. अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है. एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है. लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है. आई थिंक ये गलत है. जी जी क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना. ओके एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है. हाँ बनी है. आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं. यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है. okay. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई. लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना. देश के कानून की बात नहीं. देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है आपको अधिकार है आप मतलब कुछ भी लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो. नेचर के साथ नेचर सबसे प्यारी चीज़ है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून इस प्रकृति को बदल सकता है? जी ओके चलिए ठीक है. ये बताइए आप शादी कर रहे हैं? नहीं अभी की नहीं है मैंने कर लूँगा जल्दी. तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई. ऑनेस्ट हैं? हाँ और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे और ऑनेस्ट भी हैं. चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली. एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी. एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है उन 4 रेपिस्टों को ठोका है. बिल्कुल बिल्कुल वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं. मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है बहुत अच्छा शहर है. जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवालिया निशान खड़े हुए थे. हैदराबाद पे नहीं ये हर जगह मिलते हैं. वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए सेब लेके आइए आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है. वो नोट हैदराबाद नोट मुंबई नोट हरियाणा वो किसी भी जगह मिल सकते हैं. पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे. बिल्कुल और इसका सफाई करना बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो. चलिए ठीक है. सो गाइस अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में खुशी के साथ एंजॉय कीजिए. सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू बहुत अच्छी मूवी है. एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली. सो गो फॉर इट इट्स अ वर्थ वॉचिंग. कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है लाफ राइट बताया जा रहा है सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी. लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं बट या इट्स अ कॉमेडी इट्स अ फन. आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती है. इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड. इट वॉज क्या खास है फिल्म में कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है होती हैं चीज़ें मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में. सो इट्स अ डिफरेंट मतलब मैं क्या बोलूँ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है. ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक. या ओके रिलेशनशिप के मायने आपने समझे?
इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से. कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है जो उसका लुक है इट्स अमेजिंग. वो आपको भी पसंद आया? या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5. Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी. कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके. कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good, too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके. क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप. पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में. करेक्ट करेक्ट. वेरी गुड मैसेज द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम. या अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच. कॉमेडी है? सब कुछ, पूरा मसाला पिक्चर है. कितने स्टार 5 में से? 4. अरे बहुत आते हैं भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. oh बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी. okay. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत ही. ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है. पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है. ओके. जस्टिफाई किया? एकदम, बहुत ही अच्छी तरह. हंसे? अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं. अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है. बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले न देखे हो तो जो सच है वो तो है ही. कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी. इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया. कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा. अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने ठीक ठाक. कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा. कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा. स्पेशली धड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग, स्कूल की याद आई. ओके. और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो. अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी. आपको 5 स्टार 5 में से? 3.5. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था. ओके. कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस. सेम ठीक ठाक है? सेम. मजा आया? बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे. उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाओ. अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा था. अखियों से गोली मारे. ओके. अच्छी यार, वन टाइम वॉच. ओके, वन टाइम वॉच. कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी. अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट. यस यस, डन वेरी वेल, वेरी वेल. सो ही इज द एक्स फैक्टर इन द मूवी, आई वुड से. या एंड व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन द लीड? कार्तिक आर्यन इज डूइंग गुड, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रेपिटेटिव हो गया अभी वो, तो थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त, इस मूवी में उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है. आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके.
उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है। भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को। अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है। बिल्कुल दिल जीत लिया। ओके, पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर। आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ। रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बताऊं तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है। ओके ओके, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। कितने स्टार 5 में से 3? थैंक यू। मैम, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी। आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया, और 4 दूंगी। अच्छी मूवी है और अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है। हाँ, अच्छी फील है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है, और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है। कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया। फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना, हाँ, बढ़िया काम किया है। बताइए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है। अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है। एक रिलेशन, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तुम्हारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का, किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हुआ है। आई थिंक ये गलत है। जी जी, क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। ओके, एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं, और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ, बनी है। आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं। यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है। ओके, वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना। देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप मतलब कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ। नेचर सबसे प्यारी चीज है, और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून, इस प्रकृति को बदल सकता है जी। ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी। तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो, मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ऑनेस्ट हैं, हाँ, और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं। चलिए, फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली। एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी, एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन 4 रेपिस्टों को ठोका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं। वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं, पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो। चलिए ठीक है। सो गाइस, अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है, कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी?
द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है होती हैं चीज़ें मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में. सो इट्स अ डिफरेंट मतलब मैं क्या बोलूँ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक या ओके रिलेशनशिप के मायने आपने समझे इतना डीप में नहीं आई एम नॉट मैरिड यार सो आई कांट से. कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है जो उसका लुक है इट्स अमेजिंग. वो आपको भी पसंद आया? या या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5. Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. What are you film mein khas kya hai? कॉमेडी अच्छी. कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके. कॉमेडी के अलावा आप बताइए क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है वो सब कैसा है देखने में? Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And new comer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप. पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में. करेक्ट वेरी गुड मैसेज द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक इट्स गुड इट्स गोना हिट देम. या अच्छा बताइए एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच. कॉमेडी है? सब कुछ है पूरा मसाला पिक्चर है. कितने स्टार 5 में से? 4. अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे. बहुत ही मजा आया भाई जी. बहुत बढ़िया लगी. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो? उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. उससे डिफरेंट है? बहुत है. ये लाइट कॉमेडी है जी. और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है. पट्टी कुड़ी है जो यूपी का कल्चर है जो कानपुर का लखनऊ का उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है. ओके जस्टिफाई किया? एकदम बहुत ही अच्छी तरह. हंसे? अरे बहुत हंसे भाई. आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया. रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस. और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं. अच्छा तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है. अच्छा? डिक्लेरेशन नहीं होता. बोलिए ऊपर वाला सब देख रहा है. भले ने देखे हो तो जो सच है वो तो है ही. कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी. इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया. He was so cute, but acting was just like. कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा. अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया. बहुत ही नेचुरल था और बाकी सब ने ठीक ठाक. कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा. कोई जोक्स याद है? कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे. बहुत ज्यादा स्पेशली दैट धड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग. स्कूल की याद आई? हाँ. ओके और क्या कहेंगे? भूमि पेटनेकर भी है यू नो. अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है पर ठीक थी इस बार भी. आपको 5 स्टार 5 में से 3.5. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. सबसे अलग क्या है फिल्म में? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अलग तो क्या बस वही डायलॉग्स में जो थोड़ा बहुत फर्क था बस बाकी सब सेम ही था. ओके कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस. ठीक ठाक है? बहुत मजा आया. लाइक मजा बहुत आया बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे बस धीमे धीमे. उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? गुनगुनाऊंगा अखियों से गोली मारे जो मैंने अभी देखा नहीं देखना था पर लेट हो रहा था. अखियों से गोली मारे. ओके अच्छी यार वन टाइम वॉच. ओके वन टाइम वॉच. कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी. अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट. Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan, he is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो. तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत change लाया इस वक्त. इस movie में उन्होंने specially जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक variation है. Otherwise, dialogue delivery and बाकी सारी चीज़ें monotonous है. आपके हिसाब से थोड़ा repetitive है लेकिन variation के साथ.
राइट कॉमेडी ऑफ कोर्स कॉमेडी है वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है. भूमि ने अच्छा काम किया है बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना. अपार शक्ति उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है. बिल्कुल दिल जीत लिया. ओके पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है क्या है या फिर सिंगल है? वो है लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है हाँ. उसके बारे में जिक्र किया गया मूवी के अंदर. आपके तो, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ. रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि हाँ. पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना मेन हाँ. वो सबसे बड़ा वो वही होता है. ओके ओके तो उसको मैनिपुलेट करना चाहिए. चलिए डिप्लोमेटिक आंसर है आपका. कितने स्टार पांचवें से? पांच में से तीन. थैंक यू मैम. फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी. आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी. अच्छी मूवी है और अच्छा लगा हाँ. चेहरे पर एक शांति है लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है. हाँ अच्छी फील है. मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है. और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है. कार्तिक okay. आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया. फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना. हाँ बढ़िया काम किया है. बताइए क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है. डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ अच्छे हैं, बढ़िया. कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है. अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है. एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है. आई थिंक ये गलत है. जी जी क्या होता है पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना. ओके एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर हाँ, जायज़ हो चुके हैं हाँ, और उस पर फिल्म भी बनी है. हाँ बनी है. आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं. या तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो गलती मैसेज है. ओके. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई. लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना. देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीज़ें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ. नेचर सबसे प्यारी चीज़ है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का लड़का लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार क्या नहीं कर रहा कानून इस प्रकृति को बदल सकता है? जी ओके चलिए ठीक है. ये बताइए आप शादी शुदा हैं? नहीं अभी की नहीं है, मैंने कर लूँगा जल्दी. तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो मैं ऑनेस्ट हूँ भाई. ऑनेस्ट हैं हाँ. और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे और कर मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे और ऑनेस्ट भी हैं. चलिए फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली. एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी. एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन चार रेपिस्टों को ठोका है. बिल्कुल बिल्कुल वो हर राज्य की पुलिस करे क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं. मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर हाँ. है. जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवाल या निशान खड़े हुए थे. हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं. वो बोलते हैं ना आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है. वो नॉट हैदराबाद, नॉट मुंबई, नॉट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं. पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे. बिल्कुल और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो. चलिए ठीक है. सो गाइस अगर आपने पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए. सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी आ चुका है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू बहुत अच्छी मूवी है. एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली. सो गो फॉर इट, इट्स वर्थ वॉचिंग.
कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन मूवी। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वाज गुड, इट वाज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगी? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक बना, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड येट, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? या चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी इज पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या या। हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, yeah, very much. बताइए ये फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good. भूमि पेटनेकर? She's so improving by the day. And newcomer अनन्या पांडे? Yeah, even she's good. ओके, क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस फिल्म से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच। कॉमेडी है? सब कुछ है, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4। अरे बहुत हंसे, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। Oh, बहुत ही मजा आया भाई जी, बहुत बढ़िया लगी। Okay. आपके जमाने में फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उससे डिफरेंट है बहुत है। ये लाइट कॉमेडी है जी, और हंसी मजाक और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। पट्टी कुटरी है जो यूपी का कल्चर है, जो कानपुर का, लखनऊ का, उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह मैंने दिल को टच कर जाती है। ओके, जस्टिफाई किया एकदम, बहुत ही अच्छी तरह हंसे। अरे बहुत हंसे भाई, आपको मजा आया? अरे बहुत मजा आया। रिलेट किया आपने? रियली इट इज नाइस, और इतनी मजा आई कि पूछिए नहीं। अच्छा, तो आपकी भी कोई उस जमाने में वो हुआ करती थी? हर आदमी की होती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, भले ना देखे हो तो जो सच है वो तो है ही। कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दिए थे जी। इंटरवल इतना अच्छा बनाया कि 4.5 हो गया। He was so cute, but acting was just like कार्तिक बहुत क्यूट लगे आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसा है सबका? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सो अपार शक्ति ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही नेचुरल था, और बाकी सबने भी ठीक ठाक। कॉमेडी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। कोई जोक्स याद है, कोई सिचुएशन, कोई डायलॉग? हाँ, जो राकेश यादव की जितने भी सीक्वेंसेस थे वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा, स्पेशली था एक ढड़ंग टड़ंग टंग टड़ंग, स्कूल की याद आई। ओके, और क्या कहेंगे, भूमि पेटनेकर भी है, यू नो अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, पर ठीक थी इस बार भी। आपको 5 स्टार 5 में से? 3.5। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबसे अलग क्या है फिल्म में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अलग तो क्या, बस वही डायलॉग्स में तो थोड़ा बहुत फर्क था बस, बाकी सब सही था। ओके, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग इन द सेम वे बट विद वेरिएशंस, सेम ठीक ठाक है? सेम, मजा आया, बहुत मजा आया, लाइक मजा बहुत आया, बट जो चीजें वो करते हैं पहले वो भी इस बार भी धीमे धीमे, बस धीमे धीमे। उसके अलावा सब गुनगुनाना चाहेंगे आप? अखियों से गोली मारे, जो मैंने अभी देखा नहीं, देखना था पर लेट हो रहा है। अखियों से गोली मारे, ओके, अच्छी यार, वन टाइम वॉच। ओके, वन टाइम वॉच। कॉमेडी कितनी ग्रिपिंग है? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति खुराना इज द बेस्ट।
Yes, he has done very well, very well. So he is the X factor in the movie? I would say, yeah. And what about Kartik Aaryan, the lead? Kartik Aaryan is doing good, but मुझे ऐसा लगता है बहुत repetitive हो गया अभी वो. तो थोड़ा सा कुछ change लाने की ज़रूरत है. हंसी में उन्होंने बहुत चेंज लाया इस वक्त इस मूवी में. उन्होंने स्पेशली जो हंसी दिखाई है वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, अदरवाइज डायलॉग डिलीवरी एंड बाकी सारी चीज़ें मोनोटोनस है. आपके हिसाब से थोड़ा रिपीटेटिव है लेकिन वेरिएशन के साथ, राइट? कॉमेडी है, ऑफकोर्स कॉमेडी है, वेरिएशन के साथ है. तो भविष्य में आप उन्हें किस मूड में आप देखना चाहेंगे? मतलब आई वुड से कि उन्हें थोड़ा सा अभी और जोनर चेंज करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर अगर है तो वो कार्तिक आर्यन को दे दो, वो वेल प्ले करेंगे. उसके अलावा भी उन्हें कुछ और भी प्ले करना चाहिए. ओके. उसके अलावा भूमि है, अनन्या पांडे है. भूमि ने अच्छा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है पूरा अपार शक्ति खुराना को. अपार शक्ति, उन्होंने आपका दिल जीत लिया लगता है. बिल्कुल दिल जीत लिया. ओके. पति पत्नी और वो है या फिर पत्नी है, क्या है? या फिर सिंगल है? वो है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है मूवी के अंदर. आपके रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ. रियल लाइफ में तो एक्चुअली सही बता तो वही होता है कि पति पत्नी के बीच में जो गैप होता है ना, मेन वो सबसे बड़ा वो वही होता है. ओके ओके. आप उसको मैनिपुलेट करना चाहिए. चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर है आपका. कितने स्टार 5 में से? 5 में से 3. थैंक यू, थैंक यू. मैम, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी जी. आपको मजा आया? बहुत ही मजा आया और 4 पॉइंट दूंगी. अच्छी मूवी है और अच्छा लगा. अच्छा लगा. हाँ, चेहरे पर एक शांति है, लगता है कुछ मतलब अच्छा फील करके आया है. हाँ, अच्छी फील है. मतलब कॉमेडी भी अच्छी है, कॉमेडी पंचेज हैं, सभी ने अपना काम भी अच्छा किया है. और सबसे जो खासा प्रभावित किया है वो भूमि पेडनेकर ने, बहुत अच्छा काम किया है. कार्तिक आर्यन है जो कॉमेडी में उसका फ्रेंड बना, उसने भी अच्छा वर्क किया. फ्रेंड यानी अपाशक्ति खुराना. हाँ, बढ़िया काम किया है. बताइए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से और क्या मिला? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पहले भी इस तरह की स्क्रिप्ट आ चुकी है, इस तरह का होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और अच्छा है. डायलॉग अच्छे लगे फिल्म के? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया. कुछ मैसेज भी है फिल्म में? मैसेज बस यही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में किसी तीसरे को इंटर नहीं आने करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइफ खराब ही होती है. अगर कोई तीसरा इंटर आ जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है? लाइफ भैया खराब होती है. एक रिलेशन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है भाई, यहाँ का तो बेरा नहीं पर हरियाणा में तो हमारा ऐसा माना जाए कि अगर किसी लड़के लड़की का, किसी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है. लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये फैशन बना हो रहा है. आई थिंक ये गलत है. जी जी. क्या होता है, पत्नी भाग भी जाती है या पति छोड़ देता है, ऐसे भी किस्से आते हैं? ऐसे किस्से आई थिंक हर किसी के साथ तो नहीं होते ना. ओके. एडल्ट्री जो है हमारे देश में अब कानूनी तौर पर जायज हो चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है. हाँ, बनी है. आई थिंक ये देश को एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं. यहाँ तो लड़के लड़के एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो वो गलती मैसेज है. Okay. वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई. लेकिन हमारा देश का कानून तो यही कहता है ना. देश के कानून की बात नहीं, देश का कानून तो पता नहीं क्या कहेगा यार, लेकिन कानून की सारी चीजें कोई माने जाते हैं कि वो ठीक है, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कर, लेकिन प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ मत करो, नेचर के साथ. नेचर सबसे प्यारी चीज है और नेचर को ही बिगाड़ोगे तो एक लड़का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? इस प्रकार कानून इस प्रकृति को बदल सकता है जी. ओके, चलिए ठीक है. ये बताइए, आप शादी शुदा हैं? नहीं, अभी की नहीं है, मैंने कर लूंगा जल्दी. तो आप पति एकदम पति रहेंगे? देखो, मैं ऑनेस्ट हूँ भाई. ऑनेस्ट हैं? हाँ. और प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, और मतलब प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, और ऑनेस्ट भी हैं. चलिए, फिल्म आपने देख ली है? फिल्म मैंने देख ली. एक मैसेज और दूंगा यार मैं जी. एक मैसेज देश के युवाओं को नहीं, मैं देश की पुलिस को देना चाहता हूँ कि हैदराबाद पुलिस ने जो गजब का काम किया है, उन 4 रेपिस्टों को ठोका है. बिल्कुल बिल्कुल. वो हर राज्य की पुलिस करे, क्योंकि रेपिस्टों को आई थिंक इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं. मैं भी गया हूँ पर्सनली फिल्म कवर करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है. जब से ये इंसिडेंट हुआ तो हैदराबाद पर काफी सवालिया निशान खड़े हुए थे. हैदराबाद पे नहीं, ये हर जगह मिलते हैं. वो बोलते हैं ना, आप एक पेटी अमरूद लेके आइए, सेब लेके आइए, आपको एक पेटी सेब के अंदर गले हुए सेब जरूर मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है. वो नोट हैदराबाद, नोट मुंबई, नोट हरियाणा, वो किसी भी जगह मिल सकते हैं. पेटी में खराब हर जगह मिलेंगे. बिल्कुल. और इसका सफाई करना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है अगर जो फसल बचानी है तो. चलिए ठीक है. सो गाइस, अगर आपने
पति पत्नी और वो नहीं देखी है तो जरूर जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, खुशी के साथ इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करने का एक रीज़न भी आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी बनी है ऑब्वियसली, सो गो फॉर इट, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। कॉमेडी जॉनरा में ये फिल्म बनी है, लाफ राइट बताया जा रहा है, सचमुच में है या फिर नहीं? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी कॉमेडी इमोशनल रोमांटिक मूवी, लाइक रोमांटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट या इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन। आमतौर पर क्या आजकल देखा जाता है कॉमेडी फिल्में होती हैं, स्टोरी कहीं ना कहीं मात खाती, इसमें स्टोरी भी है? या ओवरऑल मूवी वॉज गुड, इट वॉज। क्या खास है फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट पति पत्नी एंड वो ठीक है, होती हैं चीज़ें, मे भी होती होंगी लोगों की लाइफ में, सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अभी इसमें आया है, ये इसकी पहले बन चुका है रीमेक वगैरह, सो या ओके। रिलेशनशिप के मायने आपने समझे? इतना डीप में नहीं, आई एम नॉट मैरिड यार, सो आई कांट से। कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मैं कार्तिक आर्यन स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाला कैरेक्टर था उसको शायद उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट अनन्या के साथ जब भी पार्टिंग एंड बाहर आउट ऑफ जा रहा है, जो उसका लुक है, इट्स अमेजिंग। वो आपको भी पसंद आया? या हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। Will you watch this movie again? No, I won't. Did you like the movie? Yeah, very much. बताइए फिल्म में खास क्या है? कॉमेडी अच्छी, कॉमेडी आपको अच्छी लगी? ओके, कॉमेडी के अलावा आप बताइए, क्योंकि फिल्म में ना तीन कलाकार हैं, उनकी जुगलबंदी दिखाई गई है, वो सब कैसा है देखने में? Awesome, awesome. Awesome. Yeah. कार्तिक आर्यन? Too good. भूमि पेटनेकर? क्या अलग लगा इस पिक्चर में आपको, कितना आप रिलेट किया इस पिक्चर से? इट्स रिलेटिंग टू टुडेज वर्ल्ड यू नो एक्चुअली, सो पीपल विल बी एबल टू कैच इट अप। पति पत्नी और वो भी आ जाती है लाइफ में? करेक्ट, वेरी गुड मैसेज, द वे टू इट इज शोन टू द पब्लिक, इट्स गुड, इट्स गोना हिट देम। अच्छा बताइए, एंटरटेनिंग है फिल्म? या वेरी मच। कॉमेडी है? सब कुछ, पूरा मसाला पिक्चर है। कितने स्टार 5 में से? 4।